मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। बीच गंभीर न्यूज के संपादक संजीव गंभीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनकी प्रेरणा कहें अगर इस पुस्तक को लिखने के लिए तो कोई अतिशयोक्ति ना हो। मेरे इसमें 60 आर्टिकल हैं और 60 आर्टिकल गंभीर न्यूज में प्रकाशित आर्टिकल ये हमारा लेते हैं और प्रकाशित करते हैं। इन्होंने जब अमर उजाला में थे तो भी मेरा आयुर्वेद से संबंधित अनेकों आर्टिकल इन्होंने प्रकाशित और जब से गंभीर न्यूज के संपादक हुए हैं तब से इन्होंने प्रत्येक न्यूज में प्रत्येक क्या कहते हैं पेपर में एक सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य के लिए हमारा आर्टिकल आप प्रकाशित करते हैं और हमें प्रेरणा दी कि आप लिखते रहिए और हम प्रकाशित करते रहेंगे। कभी भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज जुट जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमारा आर्टिकल प्रकाशित किया है। विशेष रूप से आपका और आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। प्रत्येक क्या कहते हैं पेपर में एक सप्ताह में एक बार स्वास्थ्य के लिए हमारा आर्टिकल आप प्रकाशित करते हैं और हमें प्रेरणा दी कि आप लिखते रहिए और हम प्रकाशित करते रहेंगे। कभी भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आज जुट जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने हमारा आर्टिकल प्रकाशित किया है। विशेष रूप से आपका आभार। और जो योगी है वो स्वास्थ्य के लिए, हर आदमी परेशान है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर हम स्वास्थ्य के लिए परेशान ना हो। किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती है और वो इसलिए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पास में हमारे गमले लगे हुए हैं, हमारा गार्डन है, उन गार्डन में कौन सी चीज कितनी उपयोगी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकर है, इसको हम जानकारी नहीं, इसकी हमारे पास जानकारी नहीं और उसी जानकारी के अभाव में वो जानकारी ना होने की वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों को हम अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते। तो इस पुस्तक के माध्यम से सेहत का खजाना आज आपके समक्ष प्रस्तुत है और मैं पुनः अपनी बहन अभिनंदा जी और अशोक भाई साहब उनके पूरे परिवार गुप्ता परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपनी बिल्कुल स्वेच्छा से और एक बार के मेरे कहने पर ये 1000 पुस्तकें प्रकाशित करा के हम लोगों को दिए जो समाज के लिए हम वितरित करेंगे, समाज को देंगे और समाज के लिए।